ये वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन मौजूद है, और ये भी साइंटिफिक सच है कि हमारे इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत है जहां पर मानवीय और दैविक बुद्धियां होती है। मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि अगर बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है तो वो आक्रामक हो जाएगा, जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 स्टूडेंट को शूट करके रख लिया, और अगर उसका पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो हीन भावना में चला जाएगा, दबू रह जाएगा। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, साइंस जिसे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर कहता है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि गणित तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप योगा फॉर पीस की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या आप गवर्नमेंट इंडिया के साथ ऐसा कोई कार्यक्रम कि जिसमें प्रारंभिक एजुकेशन में पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया जाए, वही हिंसा और आतंकवाद की समस्या का जड़ से समाधान कर सकता है? क्या इस तरह की कोई रिसर्च का क्रम आगे बढ़ रहा है, या ऐसे वैल्यू एजुकेशन बेस्ड कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस करने की कोई योजना है जिससे कि दुनिया से हिंसा और आतंकवाद का जड़ से इलाज हो सके और हमारी दुनिया, हमारा समाज बेहतर बन सके?